जुबैदा आपा का सबसे बड़ा दुख उसकी बहू है। अब जब से हमने अपने बेटे की शादी करी है, उससे घर गृहस्थी हमारी खत्म हो गई। उसकी वजह यह है, जो वो आई है वो चाहती है कि मैं अपने हाथ में ले लूं घर। हम ये चाहते हैं कि वह जैसे था इस तरीके से चले। हमारा बेटा जैसा हमारे साथ पहले था ना, अब वो ऐसा नहीं है। क्या समझ में? अब वो अब चाहता है कि मैं और मेरे बीवी बच्चे हों, माँ बहनों का मखल कुछ ना उसमें। इसकी पड़ोसन ने इसे अपनी बहू पर काला जादू करवाने का मशवरा दिया। इसलिए कि उसने उसके ऊपर ताबीज गंडे करवाए हुए। ये भी हमें पता है कि वो हमारी किस लिए नहीं सुनता। उनका तो खानदान ही यही है, वो तो रहते इसी चक्कर में ताबीज गंडे के। और फिर दोनों ने एक दिन एक आमिल के दरवाजे पर दस्तक दे डाली। आमिल ने इसे काले इल्म में इस्तेमाल होने वाले सामान की तवील फहरिस्त थमा दी। भाई बात सुने, काला दाना है और सिंदूर लोबान, तीनों चीजें आधा आधा पौ देना, और बकरे की खोपड़ी। जुबैदा की इस भाग दौड़ के पीछे जो ख्वाहिश छुपी है, वो ख्वाहिश है उसकी बहू का पागलपन या मौत। अब हम भी अपने बेटे को वापस लेके आएंगे, देखेंगे कि कैसे नहीं आता। हमने भी ढूंढ लिया है अपने बेटे को वापस लाने वाला। उनकी चोट उन्हीं के ऊपर मारेंगे, जैसे वो ताबीज गंडे करते हैं, हम भी अपने बेटे को ताबीज गंडों से वापस लाएंगे। मुनीब भड़कती आग के सामने काले इल्म का बाजार सजाए हुए है। गुड़िया के जिस्म में सुइयां घोंक, जिस पर काला जादू करवाया जा रहा है, उसे बंदिशों में जकड़ा जाता है। लीबू पर सिंदूर से मखसूस अलामात बनाकर देवी देवताओं और शैतानों को अपनी तरफ रागिब किया जाता है। अगर अमल के दौरान कोई गलती हो जाए और देवी देवता या शैतान गुस्से में आ जाए, तो उनसे बचाव के लिए नारियल को साथ रखा जाता है। काला दाना और लोबान को मिलाकर आग में फेंका जाता है, ताकि आग ज्यादा भड़के और तीनों शैतान जल्द अज जल्द इनकी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। जो खातून आई थी उनकी बहू के लिए इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि इससे वो बीमार पड़ जाएंगी, और बीमार पड़ने के बाद चिड़चिड़ी हो जाएंगी और उनके उनके शौहर के साथ ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे, और ये कि ये मामला उनके खराब से खराब तर होते चले जाएंगे, और उसके बाद ये होगा कि अलहदगी भी हो जाएगी, और वो उनकी इसी तरह अगर उन्होंने अपना नहीं करवाया काम बाद में या देखा नहीं, तो उनकी डेथ भी हो सकती है, इंतकाल भी हो सकता है। नीमू से सुइयां करने के बाद हमने अमल पढ़ा, पढ़ के इसको रख दिया है, अब ये कब्र में गाड़ दिया जाएगा, तो ये भी वही काम करेगा जो ये कर रहा है। काला जादू करने के लिए शैतान को खुश किया जाता है, उसके बाद जब वो खुश हो जाता है तो फिर वो काम करता है। उसके लिए अमलियात हैं, पढ़े जाते हैं, और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाती है, तो हम उसकी पूरी करते हैं रिक्वायरमेंट, और पूरी करने के बाद फिर इस काम को करते हैं। काले जादू में तीन शैतानों की मदद दी जाती है, जो हमें बताया गया है, जो हमें हमारे उस्ताद ने बताया, पहले इबलीस एक, दो और तीन। शैतान की जो रिक्वायरमेंट है वो बड़ी घिनौनी होती है, वो मैं आपको टेलीविजन पे नहीं बता सकता। काला इल्म किया जाता है ना, चाहे देवी देवताओं का किया जाए वो इल्म, उसमें भी गेंदे ही का फूल, क्योंकि देवी देवता और ये सारी चीजें जितनी भी काली पीली है ये सब पसंद करती हैं गेंदे के फूल।
क्या काले जादू में इतनी ताकत हो सकती है जो कातिबे तकदीर की मर्जी के खिलाफ तब्दीलियां ला सके? काला जादू करने के बाद सुइयों से छलनी गुड़िया को रात की तारीकी में कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया जाता है। ऐसा करने का मकसद जिस पर काला जादू किया जा रहा हो उसकी मौत है। जादू करने वाले जो जादू करते हैं वो शयातीनी कुफरिया कलिमात के जरिए, कुफरिया आमाल के जरिए, गलत अमल करके, गंदगी खाकर, जैसे सुनाए गंदगी चाटते हैं खाते हैं, और इस तरह गंदे काम करना, गंदा रहना, 40-40 दिन नंगा रहना और समुंदर के बाहर जाना, कब्रिस्तानों के अंदर रहना, रहकर जादू सीखते हैं और उसके बाद फिर इससे लोगों की जानें भी ज़ाय होती हैं, ख़त्म भी किया जाता है लोगों को और बहुत कुछ नुकसान पहुंचाया जाता है। मैंने बताया कि मुतलकन जादू का फतवा ये कि वो हराम है, काला हो या पीला हो, ये काला जादू हमने बनाया हुआ है, जादू जादू है, वो काला हो या सफ़ेद हो, और ये हम आपको फतवा देंगे कि जादू सीखना सिखाना ये तमाम हराम। क्या ऐसा करने से किसी की मौत वाकई हो सकती है? अगर वाकई ऐसा है तो फिर काले जादू के अजाब से निजात कैसे हासिल की जा सकती है? काले जादू और शैतान के ताल्लुक में कौन से सरबस्ता राज छुपे हैं? अगर काले जादू का सांप हंसते मुस्कुराते चेहरों पर दुखों के पहाड़ तोड़ देता है तो फिर इस सांप का सर कैसे कुचला जा सकता है? इन तमाम सवालों का जवाब इल्मो इदराक के उन जजीरों पर मौजूद है जहां पहुंचने के लिए इंतजार के 7 दिनों का सफर तय करना होगा।